सीएम योगी ने रैन बसेरे बनाने के दिए निर्देश। बढ़ती सर्दी में रैन बसेरों की व्यवस्था करने के आदेश। सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करने के लिए कहा गया। यूपी के सभी जिलाधिकारियों को सीएम योगी ने निर्देश देते हुए कहा, स्थानीय बुनकरों से खरीद कर जरूरतमंदों को कंबल दे। रैन बसेरों में साफ सफाई सैनिटाइजेशन करवाया जाए। आज वे काकोरी के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे सीएम योगी। बलिदान दिवस पर काकोरी में सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन। दो दिन के गोरखपुर दौरे पर भी रवाना होंगे सीएम योगी। दिग्विजयनाथ पार्क में बलिदान दिवस पर भव्य कार्यक्रम। कानपुर और कानपुर देहात के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। कानपुर देहात में पुलिस कस्टडी में मारे गए बलवंत सिंह के परिजनों से मिलेंगे अखिलेश। कानपुर जेल में बंद इरफान सोलंकी से भी होगी मुलाकात। दोपहर करीब 2 बजे इरफान से मिलने पहुंचेंगे अखिलेश यादव। आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे शिवपाल यादव। पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे शिवपाल। निकाय चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। झांसी के दौरे पर रहेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। निकाय चुनाव को लेकर भूपेंद्र करेंगे बड़ी बैठक। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर सकते यूपी सरकार। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जवाब दाखिल करने के लिए दिया था 3 दिन का वक्त। मुख्तार अंसारी से आज भी ईडी करेगी पूछताछ। ईडी की पूछताछ का 6ठा दिन। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्तार से ईडी पूछेगी कई सवाल। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में डॉक्टर अलकराई। श्याम संजीवनी हॉस्पिटल की सील खुलवाकर की गई जांच। हॉस्पिटल में सामान तितर बितर मिला। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व इन दिनों सैलानियों को बखूबी भा रहा है। घूमने आने वाले सैलानियों के लिए अक्सर बाघ के दीदार हो रहे हैं। लखनऊ में चौकी से महज चंद कदम की दूरी पर स्कूटी लेकर फरार हुआ चोर। स्कूटी ले जाते वक्त सीसीटीवी में कैद हुई घटना। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। चेकिंग के दौरान फरार बदमाश से पुलिस की मुठभेड़। कासगंज में पुल की रेलिंग तोड़कर खाई में गिरी बोलेरो और हादसे में कार सवार 4 में से 2 लोगों की मौके पर मौत। निजी अस्पताल में मरीज को भर्ती कराकर वापस जा रहे तीमारदार हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी। सीतापुर में सामने धर्मांतरण का मामला। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने 10 लोगों को लिया हिरासत में। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर पहुंचे अरुण गोविल और मंदिर में पूजा पाठ कर ठाकुर जी का लिया आशीर्वाद। आगरा के मलपुरा क्षेत्र से लापता दोनों छात्राएं हुई बरामद। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए छात्राओं को खोज निकाला। भदोही पुलिस ने ट्रक समेत 40 टन सरिया की लूट का किया खुलासा। स्वाट टीम के साथ मिलकर 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। महोबा जिला अस्पताल का डीएम मनोज कुमार ने किया औचक निरीक्षण। डीएम के छापे से अस्पताल में मचा हड़कंप। केंद्र के खिलाफ गर्जेंगे किसान। दिल्ली के रामलीला मैदान में भारतीय किसान संघ की गर्जना रैली। आज विरोध दिवस मनाएगी महागठबंधन में शामिल सीपीआईएमएल। सीएम नीतीश से भी मिलेगा डेलीगेशन। छपरा जहरीली शराब कांड में पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन। छपरा जहरीली शराब कांड पर विधानसभा परिसर में भाजपा करेगी प्रदर्शन। आज से शुरू हो रहा है झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 23 दिसंबर तक चलने वाले सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। नागपुर में आज से महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 30 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में 21 विधेयक चर्चा और मंजूरी के लिए सदन में होंगे। गुजरात विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक 2 दिन के सत्र से पहले दिन लेंगे शपथ। विधानसभा अध्यक्ष और उप विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए मंगलवार को होगा चुनाव। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा आज राजस्थान के अलवर पहुंचेगी। दोपहर को 2:30 बजे माराखेड़ा में होगी रैली। अभिनेता कमल हासन 24 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा में लेंगे हिस्सा। हासन के मुताबिक उन्हें राहुल गांधी ने दिया न्योता। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिखाई दरिया दिल्ली। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 3 बच्चियों को हेलीकॉप्टर की सवारी करवाई। मध्य प्रदेश चुनावों को लेकर राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल का अजीबोगरीब बयान। बोले इस बार के चुनाव में राम दाम दंड भेद साम दाम दंड भेद अपनाए। और उत्तरकाशी में देर रात आए भूकंप से दहशत। रिक्टर पैमाने पर मापी गई 3.1 की तीव्रता। रुड़की में रेलवे विभाग अपनी जमीन को कब्जा का मुक्त कराने में जुटा और इसी क्रम में रेलवे विभाग ने भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत के घर के बाहर किए अतिक्रमण को हटाकर पिलर लगा। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी उठाया फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मैच का लुत्फ। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां तेज। दून के डीवीएस कॉलेज ने छात्र संघ चुनाव की अधिसूचना की जारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा संगठन ने बढ़ाई सक्रियता। धामी सरकार में मंत्रियों के प्रवास और संगठन के पदाधिकारियों के अलग अलग जिलों में लगी ड्यूटी। देहरादून में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने विधानसभा भर्ती मामले पर दिया बयान। कुंजवाल ने कहा कि कानूनी तौर पर अगर मेरे द्वारा भर्ती में कोई गड़बड़ी हुई है तो मैं उसका जिम्मेदार हूं।
पूर्व स्पीकर कुंजवाल ने विधानसभा से तदर्थ कर्मचारियों की बर्खास्तगी को एकतरफा बताया, नियुक्तिकर्ता पर भी कार्रवाई की। कर्णप्रयाग में उत्तराखंड संयुक्त मोर्चा के कर्मियों ने हुंकार रैली निकाली और सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शौर्य यात्रा निकाली, इसको देखते हुए हरिद्वार पुलिस प्रशासन भी सतर्क नजर आया। मैकेनिक की संदिग्ध मौत के मामले में उधम सिंह नगर पुलिस का बड़ा खुलासा, मैकेनिक की पत्नी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए किया गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में पुलिस ने दो इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार, कोर्ट ने पेशी के बाद बदमाशों को भेजा जेल। खटीमा में निगम अधिकारियों ने डंपिंग जोन में कूड़े में आग की शिकायत पर मौके का लिया जायजा। जोशीमठ में नगरपालिका सभागार में गहन बैठक हुई जिसमें जोशीमठ के अस्तित्व को बचाने पर गहन मंथन हुआ। जोशीमठ में संडे मार्केट लगने से स्थानीय किसानों को हो रहा फायदा, किसानों के जैविक उत्पादों को किया जा रहा पसंद। नैनीताल में पौष मास अवसर पर श्रीराम सेवक सभा में बैठक की, होली का शुभारंभ हुआ। पूर्व विधायक डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल ने दीप जलाकर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं, आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।